हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि एंगल वाइज सेक्टर के बेस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर हम लोग तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम फोर को सॉल्व करेंगे, फिर फिफ्थ एंड जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है, फिफ्थ और सेवन क्या है सिमिलर है, तो उसको भी देखेंगे। पहले हम लोग फोर्थ पे फोकस करते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रेंगल से, एंगल पी 60 है और एंगल बी क्या 60 है। हमें यह प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है ये कौन सा थेरम है, यस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम। बट सर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरम को प्रूफ करने के लिए ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर मैं ये दोनों साइड को पैरेलल प्रूफ कर दूं तो मैं क्या बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, यस यू कैन अप्लाई द बीपीटी थ्योरम। तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिए आपको गिवन इन्फॉर्मेशन यूज करना है। तो यहां पे एंगल ए पी क्यू 60 डिग्री है, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री, सपोज ये मेरा पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू पी बी सी, एंगल पी बी सी ये क्या 60 डिग्री है, अभी राइट हैंड साइड 60 डिग्री है। तो थर्ड पॉइंट एंगल ए पी क्यू इज सेम एज एंगल पी बी सी, ये कहाँ से है, फ्रॉम वन एंड टू, क्योंकि वन एंड टू का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। बट ए पी क्यू और ऐसा एंगल अगर दो कॉन्ग्रेंट होता तो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो क्या होगा, अगर ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगा। पैरेलल के बाद ये लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आता है, बट इसका अपोजिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखो, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पैरेलल मिल गया। अगर आपको पैरेलल मिल गया तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बीपीटी थ्योरम को यूज किया, तो आपका जो फाइनल आंसर था आपको मिल गया। हेंस प्रूव, हेंस हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया आपको, ए बी सी डी एक क्या ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज व्हाट, इसका वन पेयर क्या होगा पैरेलल होगा और वन पेयर क्या होगा नॉन पैरेलल होगा, तो उसे हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे। बट यहाँ पे कैसा है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, ये सारे लाइन क्या है पैरेलल है। ए पी का वैल्यूज दिया 15, पी डी 12, बी क्यू फाइंड आउट करना और क्यू सी 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी, अगर ये कंडीशन रहेगा तो ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी इज सेम एज बी क्यू अपॉन क्यू सी। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए पी का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 15, पी डी कितना है 12, बी क्यू हमें फाइंड आउट करना है और क्यू सी कितना 14। तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू बी क्यू इक्वल टू 15 इंटू 14। अभी 12 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवीजन होगा, तो बी क्यू इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12। अभी देखिए ये 12 है और ये 14 है, तो 2 के टेबल डिवाइड करो तो यहाँ 7 आएगा और 2 के डिवाइड करो 6 आएगा। अभी जो है ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो हमें क्या मिला, बी क्यू इक्वल टू 5 इंटू 7 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाए 35 अपॉन 2 बी क्यू। अब 35 को 2 से डिवाइड करना तो बहुत ईजी है, 35 यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे आएगा तो 2 बन जा 2 क्या आएगा 1 आएगा और 5 यहाँ पे लेंगे तो 2 7 जा 14, 1 आए 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा और 5 जा 10, तो हमें बी क्यू इक्वल टू क्या आया 17.5। इतना करने बाद आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, फाइनल आंसर क्या होगा, बी क्यू इक्वल टू 17.5, ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है फिफ्थ की तरह, यहाँ पे क्या है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ,
बी डी का रेशियो 8 है, डी एफ का वैल्यू 4 है, ए सी का वैल्यू 12 है, सी ई का वैल्यू एक्स है। तो हमें यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है और ए ई फाइंड आउट करना है। अभी ए ई डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होगा, वाई, बिकॉज आपको ए सी का वैल्यू दिया है एंड सी ई का वैल्यू नहीं दिया है। तो फर्स्ट हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, अगर ये है तो हम रेशियो ले सकते हैं। तो आप ए सी अपॉन सी इक्वल टू बी डी अपॉन ई एफ ले लीजिए, या ई एफ और डी को पहले लिखो इसको बाद में लिखो, दोनों चलेगा। तो मैं यहाँ पे ए सी अपॉन सी ई ले रहा हूँ, विच इज सेम एज बी डी अपॉन डी एफ। अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 12 अपॉन एक्स इक्वल टू 8 अपॉन 4। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे इस केस में, तो 8 इंटू एक्स, 8x इक्वल टू 12 इंटू 4। अभी 8 क्या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा डिवीजन में, तो x इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8। तो 4 टू जा 8 होगा और 2 6 जा, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली। x की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या निकालना है, सी ए निकालना है। तो ए किससे बना हुआ है, ए जो है ए सी प्लस सी ई से बना है। तो यहाँ पे क्या है, ए सी प्लस सी ई। अब ये सब एक ही लाइन में, तो ए डैश सी डैश ई, ये रीजन आपको देना बहुत ज़रूरी, बिकॉज ये एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में। ए सी का वैल्यू हमें कितना है, 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 प्लस 6, तो ये क्या हो गया, 18। तो हमें ए का वैल्यू क्या मिल गया, 18। अभी हम यहाँ पे इसके बाद हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो फाइनल आंसर में एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 6 एंड ए इक्वल टू 18। ये क्या हो गया फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।